लोरमी से विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई कि इन्हें निष्कासित किया गया और अब ये खबर है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभी खबर है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लोरमी से चार बार के विधायक रह चुके हैं धर्मजीत सिंह। गृह मंत्री अमित भाई शाह के रायपुर कार्यक्रम में आए थे नजर, यानी जब गृह मंत्री अमित भाई शाह आए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब के बारे में सेमिनार अटेंड करने, उस दौरान ये भी वहां दिखे थे धर्मजीत सिंह भी। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे 6 साल के लिए निष्कासित, धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित भाई शाह के कार्यक्रम में ये देखे गए थे। असल में गृह मंत्री अमित भाई शाह यहां पर देश के प्रधानमंत्री की किताब के सेमिनार में शिरकत करने के लिए आए थे और उसी कार्यक्रम में धर्मजीत सिंह भी दिखे थे। तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि धर्मजीत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं लोरमी से। सौरभ, कब किस कार्यक्रम में दिखे थे धर्मजीत सिंह और क्या खबर है? देखिए, धर्मजीत सिंह को आज जेसीसी जी ने जिस तरह से निष्कासन किया है, इसकी कहानी जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी और इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि या तो धर्मजीत सिंह स्वयं अपनी पार्टी को छोड़ देंगे या उन पर जो है उनकी पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस बात की संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि हमको हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आगामी 20 तारीख को धर्मजीत सिंह जो है वो भाजपा प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि उनकी ओर से या उनके जो समर्थक है या उनकी पार्टी की ओर से जो है नहीं हुई है, लेकिन जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगामी 20 तारीख को धर्मजीत सिंह जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मैं बता दूं कि बीते दिनों जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, उस कार्यक्रम में रायपुर में धर्मजीत सिंह जो है पार्टी भाजपा के कार्यक्रम में जो है वो उपस्थित देखे गए थे, जिसके बाद से ये कयास और जो है वो तेज हो गए थे कि धर्मजीत सिंह भाजपा में जा सकते हैं। तो इसी तारतम्य में जो ये कार्रवाई भी हुई है, जिसमें साफ तौर पर उल्लेखित है कि उनकी गतिविधियों को लेकर और भाजपा से उनकी जो नजदीकियां बन रही है उस पर जो है ये कार्रवाई की गई है। जी शुक्रिया सौरभ दुबे इस पूरी जानकारी के लिए। लोरमी से हमारे संवाददाता सौरभ दुबे ने कहा कि ये स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। असल में इन्हें 6 साल के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे निष्कासित कर दिया गया है।